वाह जी वाह, बड़े कारपेट बिछाए हुए हैं सनी भाई आपने तो मुर्गियों के लिए। मुर्गियों के लिए भाई मेरा, नहीं नहीं भाई नहीं भाई, मेरे 10 रुपए दो, मेरे 10 रुपए दो, मेरे 10 रुपए दो। व्लॉग और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। तो गाइस इस टाइम मैं आया हूँ छत के ऊपर और हमारे पास जेबी भाई भी आए हुए हैं और अजहर भाई भी आए हुए हैं और हम इधर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमने पिंजरे बनाने थे जो कि मैं 3 से 4 दिन से आपका सिर खा रहा हूँ कि हम पिंजरे बनवा रहे पिंजरे बनवा रहे पिंजरे बनवा रहे, अभी तक हमने नहीं स्टार्ट किया। रीजन यही था कि हम अजहर भाई का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सामने पिंजरे के फ्रेम्स लगाने हैं तो उनका साइज है। तो जेबी भाई कौन सा पिंजरा बनवा रहे हैं हम सबसे पहले और इसमें हम क्या रखेंगे? जो हमारा दिल करेगा। हाँ सरप्राइज। ओके आप जेबी भाई और अजहर भाई जो है ना पेमाइशें ले रही हैं तो ये मिनट तक ही है। हाँ जी ये 6.5 फुट का बनेगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो खुद ही आपस में लगे हुए हैं। आप इसको उतारी रखें ना, एंड में पूछते हैं उनसे क्या कर रहे हैं ये। अब जेबी भाई से पूछते हैं, अब जरा फ्री हो गए जेबी भाई, अब बताओ जरा हमें ही बताओ, हमारे गाइस को भी बताओ कि क्या करने लगे हैं। देखो हम लोग सामने लगवाएंगे फ्रेम, उस तरफ बनवाएंगे दीवार। ओके और ये वाली पीछे वाली जो दीवार है ना ये यहाँ तक ऊंची हो जाएगी। ओके मतलब ये कितने फुट होगा ऊपर? 6 फुट से ऊपर होगा। ओ ताकि कंफर्टेबली बंदा जो है ना अंदर खड़ा हो सके, सफाई के लिए आसानी हो। इस जगह पे सिंगल पल्ले वाला एक दरवाजा लगेगा, यहाँ पे फ्रेम लगेगा, सामने टोटल फ्रेम होगा, साइडों पे जाली सॉरी साइडों पे दीवार होगी, पीछे जो है हम लोग एक आधी जाली दे लेंगे। ओके तो गाइस समझ आई आपको, मुझे कुछ नहीं आई आपको, अगर आई कमेंट्स में लाजमी बताना। आ जाओ सर भाई आपको सर अपने ना चूजे दिखाते हैं। आ जाओ ये कौन आ गया बाहर? हेलो फिट फाट सुनाओ कैसे हो? वालेकुम सलाम। आ जाओ सिक्के लेके आयो, ये क्या है? ये आपके दादा पू जमा कर रहे थे जी। दादा पू ने आपको दे दी है विरासत में जी। जेब भाई चेक करो बच्चे क्या लेके आए हैं। वायर ये तो काफी पुराने पुराने हैं। अच्छा जी तो गाइस ये देखिए आलियान भाई है ये हमारे और ये हमारे लिए लेके आए हैं सिक्के और अब हम तसल्ली से जो है ना इनको देखेंगे, इनको साफ भी करेंगे, कईयों को साफ करने की जरूरत है। लेकिन थैंक यू सो मच छोटे भाई, आप जो है ना ये बहुत मजे की चीजें लेके आए हो यार। और इसके अंदर कुछ तो गाइस इतने इतने पुराने हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखे हुए। अब ये देखो इसके ऊपर जी 12 सिंगा बना हुआ है, ये 25 सेंट है। मुझे भी पता ही नहीं कौन कौन से सिक्के हैं बड़े। तो यार अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कौन कौन से, आपके पास यहाँ से ये कैसे आए हैं? ऑफिसर थे माशाल्लाह माशाल्लाह यार ये बहुत मजे की चीज है। वही तो मैं कह रहा हूँ भी जो बंदा ये इकट्ठे करता है ना गाइस पूरी जिंदगी लगा रहता है। ये वाली चीजें जो है ना ये एक आध दिन में इकट्ठी नहीं होती क्योंकि कोई कहीं से को किसी मुल्क का इकट्ठा किया हुआ है तो छोटे भाई ये बहुत टाइम लग जाता है इसको ना। हाँ बहुत सारी कंट्रीज के हैं, बहुत सारी कंट्रीज के। एनीवेज गाइस थैंक यू, ओके भाई ओके आलियान, अ बिग शाउट आउट टू यू एंड अ ह्यूज थैंक यू पॉइंट्स के लिए। ओके आ जाओ लेट्स सी यू ऑफ। लाइक करने सब्सक्राइब करने शेयर करने। बुलाने का तरीका ना ये, देख भाई आप करो जरा। हाँ गाइज हमारे जो लेटिनोस थे ना इन्होंने एग्स दिए हुए थे 4, तो जेबी भाई आज हमारे पास आए तो जेबी भाई इनकी कैंडलिंग कर सकते हैं हम? आपके कहने से पहले वही निकाल रहा भाई लेकिन बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि माला जो है ना वो बंद कर दिया, लाइट भी बंद कर दो। कितने अंडे आ गए? 4 ही है ये देखो गाइस 4 अंडे। अब इनकी हम कैंडलिंग करने लगे के जी, कैंडलिंग होने लगी। ये वाला फर्टाइल है वो, ये दिखाना कहाँ से? ये देखो गाइस ये देखो अंदर बच्चा बन रहा है, ये देखो नजर आ रहा है आपको? अब दूसरा देखते हैं। बधाई हो ओ माशाल्लाह ये भी फर्टाइल, ये भी फर्टाइल है गाइस। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चा बकायदा नजर आ रहा है अंदर है ना। 4 में से 1 अंडा अनफर्टाइल है। अच्छी है यार एवरेज। अभी ये और भी देंगी। हाँ अभी और भी देंगी, ये भी दे दो। चलो आप वापस रख देते हैं हम इनको। यार मैं बहुत खुश हूँ, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा कि हमारे लेटिनोस के 4 अंडों में से 3 के अंदर बच्चे बन रहे हैं। तो अनकरीब ये जो हीर और रांझा है ना हमारे, ये मम पापा बनने वाले। अच्छा मुझे भी एक और बात है यार, इनके अंदर ना बेडिंग कम है, फिर घास पड़ा हुआ है हमारे पास, वो डाल देते हैं। घास डाल दें, शायद घास लेके आओ।
ओ भाई, हमने अपना सारा मटेरियल अपने पास रखा होता है। हमने हमने गाइस ये पिछले दिनों आपको याद होगा बहुत पहले 3-4 हफ्ते पहले ना हमने ये घास इकट्ठा किया होता और इसको हम सुखा रहे थे और देखो काफी सारा बच भी गया। बात सुनो, आमतौर पे जो है ना ये वैसे नेस्टिंग मटेरियल स्पेशल खरीदना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये दिस विल डू जस्ट फाइन क्योंकि हम लोग इसको नेचुरल तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे पौधे जो है ना ये खुद ही उठा के अंदर लेके जाएंगे। यस, हम नहीं रख रहे, जबरदस्ती नहीं रख रहे। हाँ हाँ, यहाँ से जो है ना ये खुद ही ले जाएंगे। लो जी, नेस्टिंग मटेरियल भी इनके पास आ गया। तो भाई हमारे पास इतने सारे चूजे आए हैं, हर रोज हमारे पास यार इतने सारे बच्चे आते हैं हमारे मोहल्ले के साथ से। तो भाई मैं सोच रहा था इनको हम गिफ्ट ना कर दें। बिल्कुल कर देने चाहिए। हैं, क्या कहते हैं? जो सब्सक्राइबर आए उसको एक दो चूजे देते हैं। अभी गाइस कल क्या हुआ, कल हमारे पास एक हमारे सब्सक्राइबर है हमारी दो गलियां छोड़ के और हमसे 10 चूजे ले गए, इसलिए इनकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम लग रही। अच्छा गाइस, हमारे चूजनी के पास भी अंडा आया हुआ है। वो एक मिनट यार, मैं जरा अंडा निकाल लूँ। क्या हुआ? सनी भाई बाहर आए हैं। सनी भाई आए हैं, एक मिनट मैं जरा अंडा अंदर रख लूँ। आओ जी साइड पर। हमारी चूजली और चूजला जी भाई, ये अंडा तो अंदर रख दो। चूजली का? यस, नाइस। चलो जी, इसको बंद करें। सनी भाई आए हो, खैर हो? अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? कैसे, क्या हुआ, खैरियत है? यार वो चूजली के बच्चे गलिया था ना, चूजली का नहीं था वो, चूजली के वालिद साहब का था। चलो वो ना खर खर कर रहा है यार उसके ना, वो मैंने हालांकि आप जो मेडिसिन भी बता रखी थी वो भी मैंने पानी में डाल के थी, लेकिन सेट नहीं हुआ, सेट नहीं हो रहा। चलो गाइस जरा इनका ना मुर्गा जाके देखते हैं, उसको शायद मसला हो। ऐसा करो जेबी भाई को बुला लो। जेबी भाई, एक पेशेंट आया। क्या हुआ यार? वो चूजली के वालिद साहब का एक बेटा नहीं था जो हमने इनको दिया था? सनी भाई दी ग्रेट, क्या हुआ उसको? कुछ हुआ? हाँ उसको कुछ हुआ। वाह जी वाह, बड़े कारपेट बिछाए हैं सनी भाई आपने तो मुर्गियों के लिए। मुर्गियों के लिए भाई, फुल भाई हॉलीवुड स्टाइल बिट्ठों से भरा हुआ उन्होंने कारपेट सारा का सारा। यही तो फिर रहे हैं। आवाज देख, क्या हुआ जी भाई इसको? कुरेजा हुआ हुआ है, नजला हुआ हुआ है। नाक भी बंद है इसकी सारी, है ना? यस टोटली, देखो उसकी नोजी भी सारी और गले में भी उसके सारे रेशा हुआ हुआ है। तो इसको कैसे सेट करेंगे? एक आपके पास दवाई थी मैंने बोतल में भेजी थी पाउडर। हाँ शाजिल हो गए तो शाजिल भाई वो दवाई तो लेके आओ। ले आए, मिल गई। अच्छा गाइस, ये जो दवाई है ना ये है मिरेकल ड्रग, ठीक है? ये हम काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो क्योंकि ये जेवी भाई की अपनी इजाद करदा दवाई है। नहीं भाई, कुछ 2-4 दवाइयां मिलाई हुई है, कोई अपनी इजाद नहीं है। तुम सस्ते में जो है ना ऐसे रेट बढ़ा दिया करो। नहीं यार, फिर भी यार काफी सारी काफी इफेक्टिव है, हमने अपने सिल्वर सरप्राइज को दी थी। बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये कपड़ा है नाक साफ करने के लिए, नाक साफ करने के लिए, इसका संग साफ करना, नाक भी साफ करनी थी भाई, नाक भी, फिर इसका हलक भी, और ये सारा सारा रेशा जो है ना हमने निकालना। अच्छा ये देखो, इनके ना यूं इनका होता है क्लेफ्ट थ्रोट होता है इनका। हाँ हाँ, तो इनका रेशा जो है ना सारा सारा इनके जुबान के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर होता है, तो इसको लाइक इस तरह दबा के फिर हल्का सा साफ करे ना तो ये सारा अंदर से इसका रेशा जो है ना वो साफ हो जाता है। और रुक जा भाई, कुछ भी नहीं कह रहा तुझे। अच्छा ये देखो गाइस, ये देखो ये सारा का सारा जो है ना रेशा वो इसके ऊपर लग गया, और अब इसका थ्रोट देखो काफी हद तक क्लियर हो गया है। यस हां, काफी साफ लग रहा है। ओके अब दवाई दो साइड में। ओके ये इस तरह देनी है देवी भाई? यस, तकरीबन एक चुटकी, नहीं उससे ज्यादा, क्योंकि पहली डोज है ना। अच्छा थोड़ी सी हैवी दी है, अगली डोज जब हल्की होगी। अच्छा गाइस एक और प्रो टिप है, आप जब भी अपने जानवर को ट्रीट करो तो पहली डोज हमेशा हाई रखा करो ताकि उसका इफेक्ट अच्छा आता है उसके बाद, ठीक है जी? उसके ब्लड के अंदर ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन दवाई की पूरी हो जाती है और फिर उसको मेंटेन करने के लिए आगे आप लो डोजेज भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सेफ है दे भाई? इंशाल्लाह ये फिट हो जाएगा। चले जी, अब ये इंशाल्लाह अब ये बेहतर हो जाएगा। चलो जी चूजी के छोटे भाई, होम स्वीट होम। अच्छा यार ये बोल क्यों रही है इतना ज्यादा? मम्मम चाहिए ना जी भाई इनको, इनको डालते हैं। हां इनको मम्मम चाहिए। आ जी आओ, आओ जी आओ, आ जो जी आ जो आ जो आ जो। ओहो हो, जाओ जी मम्मम भी हो, मम्मम भी हो, मम्मम भी हो। जाते हैं मामम के ऊपर धावा बोल दिया। अच्छा जी भाई आप काफी अरसे बाद आए हो, आपको एक शुगल दिखाऊं? जैकी को लेके आना जरा। क्यों आप? मैं आपको दिखाता हूँ क्या ताल्लुक है, अभी देखना हो सही। ये देखो भाई जैकी को पास नहीं जाने देता डक्की के। ये रुक जाओ, अभी आप कहने लगे थे कढ़ाई बना के खा जूंगा यार, यू नो मी सो वेल। चलो अभी जैकी अंदर जाओ, चलो
वो देखो देखो, सीधा जाता है अपनी हैचरी के ऊपर बैठता है गाइस। उसको दुनिया में पूरे इस ब्रूडर वाले कमरे में ना कोई जगह नहीं पसंद सवाई इसके। एक ये और दूसरा वो इधर बैठता है, यहाँ बैठ के बाहर देख। हाँ आप लोग ये देख के आए यार, मुझे आपने दिखाया नहीं। प्यारे यार, कितने प्यारे है यार, माशाल्लाह यार। ये देखो तीनों अलहदा अलहदा कितने प्यारे है यार। इसकी शेल देखी आपने? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये वाला ना, एक बात है, पेट पेरेंट्स हो या आम पेरेंट्स को फेवरेट चाइल्ड होना नहीं चाहिए। हाँ। मेरा फेवरेट चाइल्ड मेरा खुद ही है जी भाई। भाई पिक अ डिफरेंट वन यार, ये क्या बेईमानी है यार। बाकी लेफ्ट आउट फील करेगा ना, ये आपके हिस्से में आता है ये। चलो मैं इसको आई एक्सेप्ट हिम। ओए नहीं भाई नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ यार गंदा जन होए ते थल्ले डिग गया। चल चल इनकी रेस करावे जी भाई, टर्टल रेस करवाते हैं। लेकिन ये सीधा चलेंगे सही? पता नहीं, देख लेते हैं कोई जगह ऐसी ढूंढते हैं। हम इधर छोड़ते हैं ना, इधर छोड़ते हैं, इधर चलो। ये मेरा एक सेकंड ये पकड़ो। 10-10 रुपए की शर्त लगी। चलो ठीक है गाइस, 10-10 रुपए की शर्त लगी। कौन सा टर्टल पहले आता है? 3-2-1 पिल्ले। ओके पिल्ले लाइन ये वाली है ना, ये वाली। ओए मेरे वाला पीछे जा रहा है, मेरे वाला पीछे आ गया। वो मेरे वाले को देखो, मेरे वाले को देखो, मेरे वाले को। भाई इधर से ये पहले क्रॉस, वो स्लो भाई, मेरा स्लो, मेरा मेरा नहीं नहीं बेईमानी भाई। मेरे 10 रुपए दो, मेरे 10 रुपए दो, मेरे 10 रुपए दो। गाइस मेरा मेरा कचुकमा जीत गया। बेईमानी है, बेईमानी है भाई, ये जीता है यार। नहीं जीता मैं, तुम्हारा तो आया नहीं बीच में यार। उसे टाटा को रला ला पकड़ लिया। तुम साइड पे कैमरा भी लेके उस तरफ देख रहे हो, तुम यहाँ से लाइन पहले इससे। भाई जान आपने कहा था फिनिश लाइन ये होगी थी क्रॉस, वो टेढ़ा जा रहा था भाई। टेढ़ा जो फिनिश लाइन तो क्रॉस हुई ना, वो इधर था, मेरे वाले ने ये लाइन क्रॉस कर ली। ईमान से बताओ किसका जीता है? मेरे वाला जीता क्योंकि इसने टाइम यार। ये क्या बेईमानी है यार, बहुत बड़ा बेईमान। चलो यार छोड़ो, मैं नहीं खेलता, मैं बेईमानी है, मैं नहीं खेलता। मैं मेरा जीत गया भाई, विनर ये है भाई, वो है। काम करो, इनमें से अभी तक हमने सिर्फ नाम एक का रखा हुआ है। हमने इसका स्क्विटल रखा है, वो तो रखा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही रखा है, बाकी दोनों को क्या करना है भाई। एक का नाम डोनाटेलो, एक का नाम माइकल एंजेलो, चौथे की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ गाइस, हम एक और लेके गए और वो फिश वाले भाई कह रहे थे कि आपको एक और टर्टल मिलेगा बहुत जल्द। तो गाइस आज कमेंट्स में लाजमी बताना कि हमारी टर्टल रेस के अंदर कौन जीता है। मैं जीता हूँ भाई, मैं, मुझे ज्यादा वोट देने इसको नहीं देने और इनको नहीं देने। ये तो काउंटिंग में नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारा टर्टल मुड़ गया था भाई, मैं जीता हूँ। नहीं मैं जीता हूँ और इन्होंने मुझे अभी 20 रुपए देने हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, फिजिक्स कहती है सबसे छोटा डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन में होता है। भाई आप छोड़ दो फिजिक्स को, हम नहीं जानते फिजिक्स को। मेरे वाले नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये कोई जैकी बताओ कौन जीता है। मैं जीता हूँ ये देखो भाई, वो कह रहे हैं मैं जीता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।